एंजल ने, और बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी सॉन्ग को देखेगा तो ये उसके दिल को छुएगा। ये ऐसा सॉन्ग है जो सीधे दिल को लगता है। ये जो एक नजर है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आपने सोचा, कैसे आपके मन में आया? नॉर्मली क्या होता है कि हर इंसान की उम्र में एक फेज आता है जब हम अराउंड टीन एज से पार होते हैं, 16-17 ईयर्स के होते हैं, तो क्या होता है कि हमारा अट्रैक्शन लेवल उस समय बहुत हाई होता है हर इंसान का। तो हमें एक नज़र में प्यार होता है उस समय। हम सोचते नहीं है कि हम क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, सामने वाले का क्या है, कुछ नहीं सोचते। बस हमने देखा, हमें अच्छा लगा और हम उसके प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन बाद में उस प्यार के क्या क्या आपको डिसएडवांटेज होते हैं वो सब दिखाया गया है कि जब हम धरातल पर उतरते हैं, हम जब प्यार करते हैं तो सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन जब धरातल पर आते हैं तो वो सब बिखर जाते हैं। और प्यार, एक नज़र का प्यार किस तरह से ज़िंदगी भी बर्बाद कर देता है, वो सब इस गाने में है। प्रैक्टिकली कभी आपने ये स्टोरी देखी थी या आपने लोगों पे सर्च करके? हम भी पढ़ते रहते हैं आई दिन न्यूज़पेपर में कि लोगों ने आत्महत्या कर ली, प्यार में सक्सेस नहीं हुए तो उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो वो सब था कहीं ना कहीं दिमाग में। तो मेरे को ये था कि कैसे लोग एकदम से क्या हो जाता है उनके साथ जो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की मैंटेलिटी को सोच के ये गाना, इसका पूरा कॉन्सेप्ट रखा गया। जिस तरह से आपने गाना लिखा है, क्या एंजल ने उसी तरह से परफॉर्म किया है? आप संतुष्ट हैं उस परफॉर्मेंस से? हाँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। बल्कि मैंने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि वो कोई एक्ट्रेस नहीं है, उसने कभी एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, कभी उसने कैमरा भी इतना ऐसा एक्टिंग की कोई क्लासेस नहीं की। उसके बावजूद अगर आप उस गाने को देखें तो आप जल्दी से रिलेट नहीं कर पाएंगे कि यह रियल, मतलब ये एक्ट्रेस है या फिर आपने सिंगर को ही बिठा दिया है। तो वो बहुत बड़ी बात है, उसने बहुत अच्छा किया। मार्केटिंग हेड है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। गाना हम लोगों ने बना लिया था, उसके बाद हम लोगों का था कि चलिए देखते हैं किसी बड़े ब्रांड से इसको लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज है एंजल का। तो जब जी के पास गए तो उन्होंने सॉन्ग देखा और वो सरप्राइज थे सॉन्ग देख के। उन्होंने सीधे कहा कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड और बहुत, मतलब मैं पहली बार ऐसी लड़की देख रहा हूँ जो इतना अच्छा एक्ट भी कर रही है। सिंगर तो बहुत अच्छी है ये, बट एक्टिंग में इसने, आप जाके देखिए सॉन्ग तो आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे, मतलब जल्दी आप रिलेट नहीं कर पाएंगे कि ये लड़की सिंगर है या एक्ट्रेस है। तो उन्होंने कहा कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है और जी, मतलब इसके सारे गानों में साथ ही रहेगा। इसके जो भी गाने आएंगे तो जी का पहले ही आपकी प्रायोरिटी होगी कि जी से आप रिलीज कराएं इसको। तो कल ही ये रिलीज हुआ है, किस प्रकार का रिस्पांस रहा? बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस, मतलब हम लोग जितना सोच रहे थे उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है अभी तक। मतलब विद इन 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं गाने को रिलीज हुए और ये 3-4 लाख क्रॉस कर चुका है। प्लस इस पर लाइक्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लाइक्स 6-7-8 हज़ार लाइक्स आ चुके हैं, कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सारे पॉजिटिव आ रहे हैं कमेंट्स, ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव लिख रहा है या ट्रोल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हाँ सच्चाई है, ये होता है क्योंकि एक हमारी एज का जो उम्र का वो टाइम होता है उसमें होता है ये सब पागलपन। तो आपने किसी टेक की टेकरेज को टारगेट करके ये एल्बम या कहानी या कहने की कोशिश की, किसी एज को टारगेट किया आपने? किसी एज को नहीं, एज को नहीं, बट एक टीन एज में होता है, टीन एज में हर किसी के साथ होता है कि वो सोचता है कि ठीक है अगर मैं, मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो चलो मैं सुसाइड कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो होता ही है। बट मेरी कहानी है, मैं चाहती हूँ कि लोग देखें और सबक लें कि ज़िंदगी में मूव ऑन होना सीखे। ज़रूरी नहीं है कि एक चला गया तो आप अपनी लाइफ ख़त्म कर लें, बहुत ख़राब लगता है। वो गाना देखेंगे उन्हें खुद बुरा लगेगा, जब वो पूरा गाना देखेंगे ना, मैं चाह रही हूँ कि लोग देखें ज़्यादा से ज़्यादा और वो सबक लें कि जो लड़का इतना हंसता खेलता है या वो लड़की इतना खुश है, दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई सिर्फ एक नज़र में जो दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो एक नज़र मतलब एक कहा जाए तो हम या मान मिल देंगे, संदेश भी है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा संदेश है युवा पीढ़ी के लिए खास तौर से, कि अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड ना ले और लाइफ एक ही बार मिलती है उसको अच्छे से जिए, और अगर जिंदगी में दिल भी टूटा है तो कम से कम अपनी जान ना ले। आप कैसे देखते हैं नजर को, आपका भी दिल कहीं टूटा होता है? नहीं, मेरा दिल नहीं टूटा, बट मैं इस गाने को दिल के करीब है बहुत ज्यादा। अच्छा, चलिए क्या कुछ कहेंगे व्यूअर्स से जो देख रहे हैं या देखे हैं या नहीं देखे हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? चलते चलते मैं यही
कहूँगी कि एक बार आप इस गाने को देखिए और अपना जेन्युइन फीडबैक दीजिए, ये नहीं कि मैंने लिखा है तो इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि देखें और बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस गाने को देखें और समझें कि ज़िंदगी बहुत कीमती है। जब एंड में हमारा हीरो मर रहा है तो उनको खुद दुख होगा देख के कि क्यों ये अपनी जान ले रहा है। बहुत लोगों ने गालियाँ भी लिखी है वहाँ गाने पर कि क्यों इस लड़के को मारा या क्यों, बट मैं चाह रही हूँ लोगों को बुरा लगे देख के ताकि वो खुद ऐसी हरकत ना करें या आसपास कुछ ऐसा घटित हो रहा हो तो उसको रोकने की कोशिश करें।